बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ इकरा हुफाज़ बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल, अ प्रोजेक्ट ऑफ इकरा एजुकेशन सिस्टम। दिस वीडियो सेशन इज़ फॉर इंग्लिश ग्रामर फॉर क्लास 7 एंड दिस इज़ लेक्चर नंबर 37। माई डियर स्टूडेंट्स, इन द प्रीवियस क्लास वी स्टार्टेड अ टॉपिक द प्रोनाउन, इन विच वी लर्नड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन and we also did its exercises, and today we will learn how to compare pronouns. Look at the example to understand comparison of pronoun. Ali is shorter than Bilal. Ali is shorter than Bilal. तो इसमें कंपैरिजन किसका हो रहा है? अली का कंपैरिजन हो रहा है बिलाल के साथ, ठीक है। अच्छा, अब इस सेंटेंस को मज़ीद समझने के लिए मैं इसे एक और तरीके से लिखता हूँ। अली इज़ शॉर्टर देन बिलाल इज़, ठीक है। मींस अली एज अ सब्जेक्ट, कंपैरिजन इसका हो रहा है किसके साथ? बिलाल एज अ सब्जेक्ट के साथ। अली इज़ शॉर्टर देन बिलाल इज़, और अब मुझे बिलाल के लिए प्रोनाउन यूज़ करना है, ठीक है। तो मैं सब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज़ करूँगा या ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज़ करूँगा? तो बिलाल इज़ लिखने से ये पता चला कि मैं यहाँ पर सब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज़ करूँगा। अली इज़ शॉर्टर देन ही इज़, ठीक है। तो करेक्ट कंपैरिजन प्रोनाउन हमने क्या यूज़ किया? ही। इसलिए कि सब्जेक्टिव प्रोनाउन या नाउन का कंपैरिजन सब्जेक्टिव प्रोनाउन के साथ ही होता है, ठीक है। और हिम और ही में जो सब्जेक्टिव प्रोनाउन है वो क्या है? ही। अली इज़ शॉर्टर देन ही, ठीक है। और बात को हमें कंप्लीट करने के लिए मैंने यहाँ पे इज लगाया ताकि ये पता चले कि ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, ओके। लेट्स सी वन मोर एग्जांपल। यू आर मोर स्मार्टर देन डैश, एंड द ऑप्शंस आर ही और हिम। ही इज the subjective pronoun and him is objective pronoun. तो मैं यहाँ पर comparison किसका कर रहा हूँ? you का, और you as a subject use हुआ है, ठीक है। तो subjective pronoun का compare subjective pronoun से ही होता है, और him और he में subjective pronoun कौन सा है? he है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? he। You are smarter than he is, ठीक है। मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ आपको। You are more smarter than he is or than he. In this sentence, why I have written he, why I have not written him? इस sentence में मैंने he क्यों लिखा, him क्यों नहीं लिखा, ठीक है। अब मैं इस सेंटेंस को दूसरे अंदाज से दो सेंटेंसेस बनाकर लिखता हूँ। पहला मैंने लिखा, यू आर स्मार्ट, आप स्मार्ट हैं। ही इज स्मार्ट, वो भी स्मार्ट है, ठीक है। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है? व्हाट इज़ द सब्जेक्ट? हु इज़ द सब्जेक्ट? यू। और इसमें सब्जेक्ट क्या है? ही, ठीक है। तो हम कंपैरिजन किसका कर रहे हैं? सब्जेक्ट का सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्टिव प्रोनाउन का सब्जेक्टिव प्रोनाउन के साथ, ठीक है। क्या हम इस सेंटेंस को ऐसे लिख सकते हैं, हिम इज स्मार्ट? एब्सोल्युटली नॉट, ओके। तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन का कंपैरिजन सब्जेक्टिव प्रोनाउन के साथ ही होता है। ये जो सेंटेंस है तो इज इसमें इसलिए लिखाकर आपको समझाया कि ये समझ में आए कि ही इज स्मार्ट, उसका मतलब ये है, ठीक है। तो हमने इस वजह से वहाँ पे लिखा है ही। ऑल राइट,
यू आर मोर स्मार्टर देन ही, और ही का मतलब क्या था, ही इज स्मार्ट. और इसमें से हमने सब्जेक्टिव प्रोनाउन का कंपैरिजन सब्जेक्टिव प्रोनाउन के साथ ही किया है. ओके, नाउ टेक आउट योर बुक्स एंड ओपन पेज नंबर 16 फॉर एक्सरसाइज ए. Exercise A, select and fill in the blanks with suitable pronouns given in the brackets. ठीक है, तो ब्रैकेट्स में हमें प्रोनाउंस दिए हुए हैं, जो सुटेबल है वो हमें यहाँ लिखना है. यू आर मोर इंटेलिजेंट दैन डैश ही और हिम. ठीक है, यू नो वेरी वेल कि हम सब्जेक्टिव प्रोनाउन का कंपैरिजन सब्जेक्टिव प्रोनाउन से ही करते हैं. ठीक है, नंबर टू, शी इज टॉलर देन डैश मी और आई. ठीक है, अब यहाँ पे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस दिए हुए हैं, यहाँ आप एम लिखोगे, फिर बताओ मुझे कि कौन सा आएगा इसके साथ. आई रन एज फास्ट एज डैश देम और दे. देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन यू एंड डैश शी और मी. ठीक है, अब यहाँ यू एज, अब यहाँ पे यू जो है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज हुआ है, तो अब इसका अब इसके साथ हम क्या यूज करेंगे, मी यूज करेंगे जो कि ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, या शी यूज करेंगे जो कि सब्जेक्टिव प्रोनाउन है. देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन यू एंड डैश. नंबर फाइव, हु ब्रोक द ग्लास, किसने ग्लास तोड़ा, इफ नॉट डैश ही और हिम. अच्छा, किसने ग्लास तोड़ा, यानी कि एक डूअर ऑफ एन एक्शन होगा कोई, तो डूअर ऑफ एन एक्शन के लिए हम क्या यूज करते हैं, हिम यूज करते हैं या फिर ही यूज करते हैं. वेरी गुड, ही आएगा यहाँ पे. हु ब्रोक द ग्लास इफ नॉट ही. ओके, आई विल शो यू द आंसर इन द एंड. और नंबर सिक्स, ही इज अहमद, डू यू नो डैश. अब ये अहमद है और यहाँ पे हमने ये नाउन यूज हुआ है जो कि ऑब्जेक्ट है, तो इसके लिए कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे, हिम या फिर ही. डू यू नो हिम, डू यू नो ही. वेरी गुड, डू यू नो हिम. हियर वी हैव द आंसर्स. यू आर मोर इंटेलिजेंट देन ही, शी इज टॉलर देन आई, I run as fast as they are. Okay? There is no difference between you and me. Who broke the glass if not he? किसने glass तोड़ा अगर उसने नहीं तोड़ा. ठीक है, तो यहाँ पे that is why we have used he. He is Ahmed. Do you know him? Okay? 7, 8, 9, and 10 will be your homework. That's all for today. Take care of yourself. Assalamu alaikum.